जनपद में कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार को पहली बार मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि विकास भवन का कार्यालय फरियादियों के लिए हमेशा खुला रहेगा। जिले के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी समस्या को लेकर ऑफिस में मिल सकता है, जिसका हर संभव समाधान करने की कोशिश की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। परफॉर्मेंस ग्रांट में चयनित 34 ग्राम पंचायत में विकास का कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा गांव में शौचालय, पंचायत घर सहित अन्य योजनाओं पर बड़ी ही तत्परता के साथ कार्य कराया जा रहा है, जिससे गांवों को शहर की तरह ही विकसित किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, सेवा शब्द है, इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तभी मैं और अभी यहाँ पे भी आप देखोगे आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो हम करेंगे। अगले जो 25 दिन आपके पास आज जी कहा, हम लोग गांव बार समीक्षा करेंगे अभी आने वाले दिनों में, कल भी बुलाया मैंने सचिव, तो समीक्षा कर करके भी ये आपके क्यों नहीं पूरे हुए। ठीक है, मैं पूरा स्कीम तो दोबारा रिवीजन नहीं हम कर सकते, लेकिन आइडेंटिफाई करवा के उसको कम्प्लीट कराने की कोशिश। आज मीडिया के जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं मीडिया परिवार के, तो आज सबको एक नॉर्मल इंटरेक्शन के लिए हमने बुलाया था, और उसमें मैंने जितने भी हमारे मीडिया के फीडबैक हैं वो लिए हैं, और विकास को लेके लिए है, विकास भवन को लेके लिए है, जितनी हमारी परियोजनाएं चल रही हैं वो फीडबैक मुझे अलग अलग हमारे जो मीडिया के साथी हैं उन्होंने दिए हैं, जिसको मैंने नोट किया है, और हमारी कार्यशैली में और बेहतर करने के लिए हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। चल रही है उनके ऊपर भी हमने वार्ता की और डेटा दिया है कि विकास भवन के थ्रू जो संचालित स्कीमें हैं उसमें क्या क्या हो रहा है, जैसे परफॉर्मेंस ग्रांट में क्या हो रहा है, किस स्थिति पे है, कम्युनिटी टॉयलेट में क्या हो रहा है वो बताया गया है, पंचायत भवन में क्या हो रहा है वो बताया गया, आवास का भी डेटा शेयर किया गया है, और इस तरह से जो भी इस मीडिया को हम रेगुलर, अब ये जो फीचर है ये मीटिंग हमारी होती रहेगी, वार्ता होती रहेगी, और हम लोग अपना जो डेटा है सारा शेयर करते रहेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जो भी पंचायत भवन बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, इस तरह के योजना, उसमें अभी तक कितनी प्रगति है आप? अभी तक जो हमारा जो टारगेट था सामुदायिक शौचालय का बता देता हूँ मैं, हमारा 1189 का था, उसमें हम लोग 800 को जियो टैग करा चुके हैं। जियो टैग का मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, और उसमें कई कंप्लीट भी हो चुके हैं, और जिसमें हमारी बहुत मॉनिटरिंग है, और अगले हमें 25 दिन में उसको पूरा 100% कंप्लीट कराना है सामुदायिक शौचालय को। और पंचायत भवन का मैं जो डेटा है वो आज का जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको दे रहा हूँ, तब देखूँगा। सर, परफॉर्मेंस ग्रांट भी आया है और 34 गांव का विकास भी होना है, उसकी क्या प्रगति? परफॉर्मेंस ग्रांट में जो हमारा 23 अक्टूबर को 10 गांव का जिनका DPR हुआ था, उसका जो जिला स्तरीय समिति है उसके द्वारा उनका जो क्रय करने वाली चीज़ें थी उसको अप्रूवल दे दिया गया है जेम पोर्टल के द्वारा, और ई टेंडरिंग के द्वारा जो सिविल के कार्य जो गाँव ने प्रस्ताव किए थे वो जिला स्तरीय समिति द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं। तभी आप लोगों से भी मिल रहे हैं, और हम जैसे अभी आवास का है, हम गाँव में जो दीवारें हैं वहाँ पर लिखवा देंगे, और हम लोग ब्लॉक पे ऐसे प्रोग्राम करेंगे जिससे कि इनकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस लोगों में बढ़े। हर वीडियोस को हम लोग ये टारगेट देंगे कि वो गांव में जाके भी करें, ब्लॉक में भी करें, तहसील दिवस पे भी अपना रखें। तो इस तरह के हम छोटे छोटे स्टेप लेके मीडिया के माध्यम से, आप लोग बहुत इसमें सहयोग करते हो, हम हर प्रोग्राम की जानकारी जनमानस तक जरूर पहुंचाएंगे।